देखेंगे कुछ लग्जरियस मोबाइल एक्सेसरीज जो आपके मोबाइल एक्सपीरियंस को बदल देंगी। ₹1000 में कुछ ऐसी एक्सेसरीज जो मोबाइल को जोड़ेंगी आपके बाकी गैजेट से। Micromax Dual 5 का रिव्यू और Samsung S8 और S8 Plus हुआ लॉन्च। वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिबानी और मेरे साथ है आयुषी और हम हैं हाई स्ट्रीट फीनिक्स मुंबई के एक्सेस स्टोर में। एक्सेस स्टोर में तरह तरह की मोबाइल फोन और तरह तरह की एक्सेसरीज मिलती है, लेकिन आज के एपिसोड में हम आपके लिए वो एक्सेसरीज लाए हैं जो आपके स्मार्टफोन के साथ या फिर मोबाइल फोन के साथ कंपैटिबल है। ये एक्सेसरीज आपके मोबाइल फोन के एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक्सेसरीज बहुत लग्जूरियस भी हैं और कुछ हैं जो हजार की रेंज में भी हैं। मैं हमेशा फिट रहने की बात करती हूँ और आपके फिटनेस को एकदम ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर जरिया है स्किपिंग, और स्किपिंग करने के लिए मेरे पास है स्मार्ट रोब्स। ये एकदम टेक सैवी रोब्स है, बस आपके स्मार्टफोन के साथ ये आसानी से कनेक्ट होते हैं एक ऐप के जरिए। मतलब आप जितने स्किप्स, जितनी बार स्किप्स करें, कितने स्किप्स आपने मारे, कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हुई, ये सारा डेटा आपके स्मार्टफोन पर नजर आएगा। आसानी से चार्ज भी होते हैं और इसका पावर बटन बिल्कुल इसके नीचे है। लेकिन इतने फिटनेस के बावजूद भी अगर आपकी तबीयत थोड़ी खराब हुई तो आयुषी के पास कुछ ऐसे एक्सेसरीज है जो आपके हेल्थ को बनाए रखने में मदद करेंगे। आपके हेल्थ को इन चेक रखने के लिए विदिंग्स लेकर आए हैं दो बेहतरीन प्रोडक्ट्स। एक है डिजिटल थर्मामीटर। ये नॉर्मल थर्मामीटर्स के मुकाबले यूज़ करने में काफ़ी आसान है। जैसे नॉर्मल थर्मामीटर्स को आपके बॉडी पे टच करना पड़ता है, इसमें आपको बॉडी पे टच करने की ज़रूरत भी नहीं है और ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को नाप लेता है और आपके मोबाइल फ़ोन पर इसका डिस्प्ले आ जाता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी एक प्रोडक्ट है, वो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिस तरह आप नापते हैं उसकी तरह काम करता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसका जो रिकॉर्ड है वो आपके मोबाइल पे दिखेगा। आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी है और आप इजीली अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। अब देखते हैं शिबानी के पास क्या गैजेट्स हैं। अभी मेरे पास जो गैजेट है उसका नाम है पॉबो। इसके नाम में ही हिंट छुपी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये गैजेट किसके लिए है, तो मैं कुछ और हिंट्स आपको देती हूँ। इसमें एक लेजर बीम है, एक कैमरा है और एक खाने के लिए ट्रे लगा हुआ है। जी हाँ, ये गैजेट आपके पेट्स के लिए है। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कई बार आपके पेट्स को अकेला घर पर छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो ये गैजेट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक ऐप के जरिए और इस कैमरा के जरिए आपकी पेट्स की एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकती है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी है कि नहीं, ये सभी कुछ एक वीडियो के जरिए साफ साफ आपको आपके फोन पर नजर आएगा। और हाँ, अगर उनके खाने पीने का समय आ गया तो इस ट्रे में आप ड्राई फूड भी रख सकते हैं जो आप आसानी से अपने पेट्स को खिला सकते हैं। ₹20,000 का ये गैजेट है। साथ ही इस गैजेट के जरिए आप अपने पेट्स के साथ खेल भी सकते हैं बिल्कुल एक लेजर बीम के जरिए। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता खाई रहती है तो डोकी वॉच आपके लिए परफेक्ट गैजेट है, क्योंकि इसमें अपने बच्चों का ट्रैक रख सकते हैं, उनको वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो कब कहाँ जा रहे हैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक सिम कार्ड डालना है जिसके बाद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। इसमें कैमरा है जिसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, और सबसे अहम बात,
इसमें GPS ट्रैकर भी है। इसका मतलब आपका बच्चा कब कहाँ जा रहा है, कौन से लोकेशन से निकल रहा है, इस सब का अलर्ट आप पे आसानी से आएगा। Emergencies big and small can pop up at any time. The SOS function allows kids to send immediate alerts to their parents, triggering continuous GPS tracking of their location and a live recording of surrounding sounds. तो ये तो थी बच्चों की सुरक्षा की बात, लेकिन उनके एंटरटेनमेंट के लिए क्या गैजेट है ये बताएगी शिवानी। बिल्कुल, एक ऐप के जरिए आप इस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा आसान है, चाहे आप इसे डांस करवा सकते हैं, किक करवा सकते हैं, अभी कोई भी एक्शन करवा सकते हैं इस ऐप के जरिए। कीमत है इसकी 50,000 रुपए। और साथ ही मेरे पास और एक फैंसी कवर है, मोबाइल फोन कवर है, स्वरोस्की स्टडेड है ये आईफोन का कवर, मतलब एक एक स्वरोस्की जड़ा हुआ है इसमें, और इसकी कीमत है 10,000 रुपए। ये थे हमारी सुपर लग्जरी एक्सेसरीज की लिस्ट जो आपकी जिंदगी में एक अच्छा तड़का लगाएगी। लेकिन ब्रेक के बाद कुछ ऐसी एक्सेसरीज जो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है और 1,000 रुपए के नीचे है, जो आपके मोबाइल फोन के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब हम आपको बताएंगे पॉकेट फ्रेंडली एक्सेसरीज के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली एक्सेसरीज जो आपके पास होने चाहिए, जैसे ये ऑक्स कनेक्टर। आईफोन ने अपने पिछले दो लॉन्चेस में अपने हेडफोन जैक्स को बिल्कुल हटा दिया था, तो ये ऑक्स कनेक्टर आपको हेडफोन्स को कनेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। ये है फोन ग्रिप स्टैंड एंड माउंट, जो आपके फोन में लग जाएगा, एक रिंग की तरह काम करेगा। इसको आप अपने कार में लगा के माउंट भी कर सकते हैं आपके हैंड हेल्ड एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। ब्लूटूथ स्पीकर, इतना पॉकेट फ्रेंडली ब्लूटूथ स्पीकर मैंने आज तक नहीं देखा। आसानी से ये स्पीकर आपके पॉकेट में भी फिट हो जाएगा। इसको ब्लूटूथ के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपका सारा म्यूजिक इसी के जरिए सुन सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। आपके ईयरफोन्स को रखने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी, तो इसके लिए है आपके लिए पाउच, जहां आप आसानी से रख सकते हैं, आसानी से उसको वो इंटेंगल भी नहीं होगा और आपके लिए काफी मदद होगी। USB पावर अडैप्टर जो मेरे पास है, वो आपके आईफोन, एंड्रॉइड फोन और गेमिंग कंसोल सभी के साथ कंपैटिबल है और काफी कॉम्पैक्ट भी है। आपके फोन को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ ये कवर, स्लीक है, खूबसूरत है, आपके फोन को प्रोटेक्ट करेगा, हार्ड कवर है और आपके फोन को बहुत अच्छा लुक देगा। ऑडियो ऑक्स केबल, जिसके जरिए आप अपने फोन को स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर फोन को कार के स्पीकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से अपना म्यूजिक सुन सकते हैं। आपके साउंड क्वालिटी को बेटर करने के लिए ये है हेडफोन विद माइक्रोफोन, मतलब आप गाने सुन सकते हैं, कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं और बहुत अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। टू वे रिवर्सिबल टाइप सी USB केबल, जिसके जरिए आप आसानी से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं आपके मोबाइल को किसी लैपटॉप या फिर किसी और गैजेट के साथ। यह डुअल USB ड्राइव 32 GB की है, इसमें आप अपने कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब आपके फाइल्स ट्रांसफर इजिली हो जाएंगी। अब मेरे पास है यूनिवर्सल कार चार्जर, बहुत ही पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट है और इसके साथ आप अपने टैबलेट्स और मोबाइल सभी को चार्ज कर सकते हैं। ये थी हमारी 1,000 से नीचे की एक्सेसरीज की लिस्ट जो आपके फोन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगी। अब वक्त है माइक्रोमैक्स ड्यूअल 5 के रिव्यू का। शिवानी, कैसा था ये फोन? तुम्हें नहीं, सभी को इंतजार है इस फोन का। हैव पेशेंस, बता रही हूँ ना अभी। माइक्रोमैक्स जो इतने दिनों से काफी चुपचाप बैठा था, दे हैव रिटर्न्ड विद अ पावर पैक पंच, माइक्रोमैक्स ड्यूअल 5। देखते हैं इसमें क्या है खास।
सबसे पहले लुक एंड फील की बात करें तो इसका ऑल मेटल बॉडी डिजाइन हाथ में आते ही ये फोन काफी प्रीमियम लगता है। साथ ही इसकी 2.5D कर्व ग्लास की स्क्रीन भी काफी स्लीक और प्रीमियम लगती है। ओवरऑल ये फोन मेटल बॉडी की वजह से काफ़ी सॉलिड लगता है जब भी आपके हाथ में आता है। तो साथ ही इसमें कर्व्ड एजेस दिए गए हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है जब भी फ़ोन आप हाथ में पकड़े। तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल इसके ड्यूअल कैमरा के नीचे है, पर शायद इसी के कारण इसके कैमरा पर स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या फिर फिंगरप्रिंट्स बार बार आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। इसके पावर और वॉल्यूम बटन्स राइट की तरफ है और एक कस्टमाइजेबल स्मार्ट की लेफ्ट में है। एक हाइब्रिड ड्यूअल सिम ट्रे भी लेफ्ट में दिया गया है। F3.5mm का ऑडियो सॉकेट और इंफ्रारेड एमिटर भी ऊपर दिए गए हैं। नीचे USB-C टाइप पोर्ट और स्पीकर ग्रिल है। ड्यूअल 5 में कैप्टिव बटन्स दिए गए हैं डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे। प्रॉब्लम यही है कि वो बैकलिट नहीं है। ड्यूअल 5 में ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर दिया गया है 4GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। अभी इस फोन के हाईलाइट की बात करें तो इसमें 128GB का इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है। इस रेंज के फोन्स में शायद ही बहुत ज़्यादा फोन्स हैं जिनमें 128GB का इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है। साथ ही इसी स्टोरेज को आप 128GB तक और एक्सपैंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के जरिए। ये फोन एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो पर चलता है। कनेक्टिविटी के लिए 4G वोल्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ दिया गया है। इसकी बैटरी देखें तो 3200mAh की बैटरी है क्विक चार्ज 3.0 के साथ। अभी बैटरी लाइफ की बात करें तो दिन भर इसकी बैटरी चल जाती है, लेकिन स्पेशल मेंशन टू इट्स क्विक चार्जिंग। 40 से 45 मिनट में 90% बैटरी चार्ज हो जाती है। एक दिन मेरी बैटरी इस फ़ोन की बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी और केवल 15 मिनट में इट रीच्ड ऑलमोस्ट 35%। माइक्रोमैक्स ड्यूअल 5 का नाम दरअसल इसके ड्यूअल 13 मेगापिक्सल कैमरा से ही आया है और दोनों f1.8 के साथ आते हैं। अभी इसके ड्यूअल कैमरास दोनों 13 मेगापिक्सल के हैं। एक कैमरा है वो प्राइमरी इमेज कैप्चर करता है और दूसरा डेप्थ ऑफ फील्ड को कैप्चर करता है। दोनों सिंगल इमेज की तरह लगते हैं, लेकिन हाँ एक पॉइंट बताऊंगी, जब आप खासकर वो डेप्थ ऑफ फील्ड और DSLR वाला इफेक्ट वाला इमेज चाहते हैं तो उस इमेज को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसकी वजह से शायद आपको फोटोज़ खींचते टाइम थोड़ी इरिटेशन हो सकती है। लो लाइट के इमेजेस ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, और खासकर लो लाइट इमेजेस में आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ नज़र आएगा। साथ ही ड्यूअल 5 में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है f2.0 अपर्चर के साथ। स्मार्ट ब्यूटी मोड ये ऐप सेल्फीज को बेहतर बनाता है। इसका प्रो मोड आपको वाइट बैलेंस, ISO फोकस और शटर स्पीड एडजस्ट करने में मदद करता है और इसका कैमरा 4G वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन, जिप और टाइम लैप्स वीडियोस ये सभी सपोर्ट करता है। जनरल परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। कोई लैग्स या फिर डिलेज नहीं है। चाहे आप ग्राफिक इंटेंसिव ऐप्स या गेम्स भी देखें वो भी इस पर आप आसानी से खेल सकते हैं। इस फ़ोन पर मल्टीटास्किंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक पॉइंट बताना चाहूँगी, ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलते वक्त या फिर ज़्यादा देर तक अगर आप अपना कैमरा ऐप ओपन रखें तो फ़ोन थोड़ा हीट होता है। स्क्रीन की टच सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है, स्क्रीन के कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है, वीडियोस देखते टाइम ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल दिस फोन इज़ वर्थ अ पिक, खासकर अगर आप इसके इनबिल्ट स्टोरेज की बात करें तो। टेक गुरु में ब्रेक के बाद टेक की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें टेक न्यूज में। I'm
टेक गुरु में अब डालते हैं नजर टेक की दुनिया से जुड़ी खबरों पर। सैमसंग ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S8 और गैलेक्सी S8 प्लस को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। दोनों ही फोन में क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही इनमें 12 मेगापिक्सल के डुअल पिक्सल रियर कैमरे के साथ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज भी दी गई है। ये दोनों ही फोन की खासियत है इनमें दिया गया सैमसंग का इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट बिक्सबी। ये फोन डस्ट और वाटरप्रूफ भी होंगे और इन दोनों ही फोन की प्री बुकिंग फ्लिपकार्ट और सैमसंग की वेबसाइट पर शुरू हो गई है और ये 5 मई से बिकेंगे। सैमसंग S8 की कीमत है 57,900 रुपए और वही गैलेक्सी S8 प्लस की कीमत है 64,900 रुपए। इनकी सीधी टक्कर होगी iPhone 7 प्लस और Google Pixel से। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद Xiaomi ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi Mi 6 को लॉन्च कर दिया है। चीन के बीजिंग में लॉन्च किए गए Xiaomi Mi 6 की सबसे अहम खासियत लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर है, 6GB रैम और डुअल रियर कैमरा सेटअप भी इसमें दिया गया है। Xiaomi Mi 6 के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,499 चीनी युआन यानी करीब 23,500 रुपये है, जबकि 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट 2,899 चीनी युआन यानी करीब 27,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। Xiaomi Mi 6 में 5.15 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जिस पर 3D क्लास की परत चढ़ी हुई है और अच्छे प्रोसेसिंग के लिए इसमें लेटेस्ट 2.45 GHz 64-bit ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है जिसका साथ देती है 6GB रैम और चीन में इसकी बिक्री 28 अप्रैल से शुरू होगी। भारत में इसके अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद है। मेरा ऐप रिकमेंडेशन है Aero। गूगल का नया सर्विस डिलीवरी ऐप है एरो। एसेंशियली सर्विस डिलीवरी मतलब क्या, फूड डिलीवरी, और फूड डिलीवरी के अलावा कई दूसरे घर के सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम, ये सारी सर्विसेज इस ऐप के जरिए गूगल डिलीवर करता है। फिलहाल ये ऐप केवल 2 ही इंडिया के शहरों में मौजूद है, बैंगलोर और मुंबई। ये ऐप गूगल ने अप्रैल 12 को लॉन्च किया है और अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन 2 शहरों को टैप किया जा रहा है। इस हफ्ते मेरी ऐप ऑफ द वीक है कॉमिक ब्लिट्स। अगर आप GI जो, बैटमैन, स्टार ट्रेक जैसे कॉमिक्स के दीवाने हैं तो ये ऐप आपके लिए परफेक्ट है। करीब 4,500 इंटरनेशनल कॉमिक्स हैं इस ऐप में जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं या ऑन द गो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ऐप्स काफ़ी पसंद हैं तो ये ऐप आपके लिए परफेक्ट है। एंड्रॉयड और iOS में ये इसका बेसिक सब्सक्रिप्शन फ्री है। हालांकि अगर आप ज़्यादा ऐप्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको शायद थोड़ी फीस देनी पड़े, लेकिन ज़्यादातर कॉमिक्स इस ऐप में फ्री है। तो ये थी मेरी ऐप रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं आपकी ऐप रिकमेंडेशन की। लास्ट वीक हमें काफ़ी ऐप रिकमेंड हुए और इस बार हम बात करेंगे डॉन ऑफ टाइटन्स की, जो स्वप्निल बहादुरे ने नागपुर से रिकमेंड की है। ये एक गेमिंग ऐप है जिसमें आप अपने राज्य को बनाने के लिए फाइट करते हैं अपने दुश्मनों से। कंसोल क्वालिटी ग्राफिक्स है इसमें, 3D आपको आइलैंड मिलेगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें खेल सकते हैं। आपके पास आर्मी होगी, सोल्जर होगा, आपके कॉमरेड्स होंगे, फाइट कर सकते हैं अपने राज्य के लिए और सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये और ये एंड्रॉयड और iOS में एकदम फ्री है। कस्टमाइज रिंगटोन के दीवानों के लिए मैं लेकर आई हूँ रिंगटोन मेकर, जिसे बिंग बैंग इंक ने बनाया है और इसे आप फ्री में एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि हम सबकी ख्वाहिश होती है कि अगर कोई फ़ोन करे तो कस्टमाइज रिंगटोन बजे जब वो कॉल करे, अगर आप चाहें तो अपने लिए कस्टमाइज अलार्म टोन भी सेट कर सकते हैं या नोटिफिकेशन टोन भी इस रिंगटोन मेकर के जरिए सेट की जा सकती है। करना कुछ नहीं है आपको, आप जैसे ये ऐप को डाउनलोड करेंगे आपके फ़ोन में जितना भी म्यूजिक है वो इस ऐप पर आ जाएगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस गाने को रिंगटोन के तौर पे डिसाइड करना है या फिक्स करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भी एक रिंगटोन के तौर पर सेट कर सकते हैं, अलार्म टोन के तौर पे सेट कर सकते हैं या नोटिफिकेशन के तौर पर भी सेट कर सकते हैं और तमाम तरह की ऑडियो फाइल्स को ये रिंगटोन मेकर सपोर्ट करता है। और टेक गुरु पर ओके टाटा गुड बाय कहने से पहले हम आपको एक ऐसा गैजेट बताएंगे जिससे आपकी आंखें चमक जाएंगी, iPhone 7 Plus, वो भी
गोल्ड प्लेटेड, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है ये गैजेट, 1,90,000 का है। इसका मतलब क्या आयुषी, अगर आपने आईफोन 7 प्लस के लिए अपनी किडनी नहीं बेची है, एग्जैक्टली किडनी नहीं बेची है, तो इस फोन को खरीदने के लिए आपकी किडनी आपको जरूर बेचनी पड़ेगी। और जाते जाते हम आपको एक मौका दे रहे हैं टेक गुरु इस शो का हिस्सा बनने का। बस आपको हमें एक ऐप रिकमेंड करनी है, बड़ा ही आसान प्रोसेस है। जैन 2017 के बाद जो भी ऐप लॉन्च हुई है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप हो या फिर कोई यूटिलिटी ऐप हो, बस हमें वो मैसेज कीजिए techguruawaaz@gmail.com पर या फिर हमारे सोशल हैंडल्स पर उसे रेकमेंड कीजिए। बस अपना सेल्फी खींचकर डालिए, साथ ही ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहां से हैं, और वही ऐप हम आपके नाम के साथ हमारे ऐप दिस वीक इस सेगमेंट में लोगों को रेकमेंड करेंगे। टेक गुरु में अभी वक्त है फाइनली गुड बाय कहने का। टिल देन स्टे कनेक्टेड।